काहे लगे कि तुझे तेरा पेट बढ़ेगा, तेरा पेट बढ़ेगा इतना बड़ा हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज है 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हम सभी घूमने जा रहे हैं अजंता। वैसे हमारा प्लान लोनावला जाने का था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हमने लोनावला कैंसिल कर दिया, तो अभी हम अजंता जा रहे हैं। और अजंता भी बहुत अच्छी प्लेस है घूमने के लिए, और अभी बारिश का मौसम है तो वहाँ पर बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। लेकिन आज का मौसम थोड़ा अलग लग रहा है, धूप लग रही है, तो पता नहीं वहाँ पर जाके हमको वो नज़ारे देखने को मिलेंगे कि नहीं। लेकिन घूमने के लिए बहुत सही जगह है, आप भी जा सकते हो। और आगे क्या क्या चीज़ें होती है हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर सकते हो। ये मेरा दोस्त कल गदर मूवी देख के आया था, और पता नहीं शायद इसने कोई सीन देख लिया जिसको देख के इसे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी, और वही सीन ये हमको भी शेयर कर रहा था। और ये जिस तरह से बता रहा था उसको देख के हम भी हमारी हंसी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हम जब भी कभी घूमने के लिए निकलते हैं तो घर पर चाहे जितना मर्जी अच्छा खाना बने, हम घर से कभी कुछ खा के नहीं आते, क्योंकि जब बाहर घूमने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में कुछ खाने का अलग ही मज़ा होता है। थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद हम हमारे सफ़र की फिर से एक बार शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर पता नहीं मुझे कुछ तो दिखा था, लेकिन याद नहीं आ रहा, जिसे मैं बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था, और ये मेरे दोस्त ने कैमरे में कैप्चर कर लिया, जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो दोस्तों, अभी अभी हम अजंता पहुँचे हैं। 15 अगस्त होने की वजह से आज बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। वैसे भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है, तो पार्किंग को देख के आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर आज। क्या 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 नहीं बोलना एक बार, ये बीच में आ जा रहा है। ये इतने सारे बसेस हैं, अब इन बसों से आगे हमें वहां पर जाना है एंड पॉइंट तक। ये कहां से हो रहे चल रहे भाई? चल चलता भी नहीं है। क्या बस हो या ट्रेन, हम सभी को विंडो वाली सीट बहुत ज्यादा पसंद होती है, और हमें भी यहाँ पर विंडो वाली सीट बड़ी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि हम बस में सबसे पहले चढ़ते हैं। लेकिन विंडो वाली सीट हमें इतनी आसानी से मिलने के बाद भी हम उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें उससे बेटर वाली सीट मिल जाती है जो कि ड्राइवर के बाजू में होती है, जिसकी वजह से हम सामने का व्यू एकदम अच्छे से देख पा रहे थे, जो कि आपको वीडियो में दिख ही रहा है। हार्डली 2 से 4 किलोमीटर की छोटी सी ट्रैवलिंग के बाद में हम हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर भी एक टिकट निकालना पड़ेगा। चलो भाई जल्दी चलो। तो जस्ट अभी अभी हम बस से उतरे हैं, तो बसेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, और ये सारे जो बस दिख रहे हैं इनसे आना जाना पड़ता है। तो बेसिकली जब हम अजंता में आते हैं तो हमें वहाँ पर गाड़ी का जो पार्किंग का टिकट है वो 50 रुपये होता है, और एमिनिटीज़ फीस है वो 15-15 ईच पर्सन होता है। तो ऐसा टिकट है, और आगे जाके अब यहाँ पर भी हमें एक टिकट निकालना है, उसके बाद हमें ऊपर जो केव्स है वहाँ जाने के लिए एंट्री मिलेगी। तो अभी यहाँ का टिकट निकालना बाकी है। मस्त मॉल है अभी यहाँ का, अभी बाकी सारे लोग टिकट निकालने गए, अमीर यहाँ पर बैठा है, बाकी 3 लोग टिकट के लिए गए। टिकट काउंटर वहाँ पर है शायद, जो आगे दिख रहा है। चल
मैं आपको यहाँ के टिकट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ। अगर आप खुद की गाड़ी से आते तो पार्किंग का टिकट लगता है, उसके बाद में एमिनिटी चार्ज लगता है एक आदमी का 15 रुपये, फिर बस का लगता है 25 रुपये, और फिर जब अंदर जाते हो तो गुफाओं का चार्ज होता है 40 रुपये एक आदमी का। मैं मुझे लगा टिकट निकालने का, मैं उधर चले गया था। अब यहाँ भी टिकट निकालना पड़ता ना, वो क्या लोग लाइन में कहीं खड़े हैं। फिर कितना टिकट है? एक का 40। कहाँ छुपा है? हाँ क्या है? क्या है? पूरी है? नहीं ना। आया है? क्या लग रहा है फिर यहाँ पर? कुछ तो है। इतने इतने में थक गए? हाँ ये देखो दोस्तों, हमारे चार लोग थक गए यहाँ पे, इतना इतना चढ़ के। अबे इतने में थक गया तू, इतना ही चढ़ा खाली, इतने में थक गया। हाँ क्यों बैठे, तूने थका क्या? सब थक गए, सब थक गए तुम लोग। इजी इजी रास्ता, बुड्ढे हो गए तुम लोग शादी के। इजी रास्ता पकड़ लिए। अरे तो दोस्तों ये है अजंता की सबसे पहली गुफा। यहाँ पर कुल 30 गुफाएं हैं, लेकिन पर्यटकों के लिए अभी सिर्फ 26 गुफाएं खुली है। ये सारी की सारी गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी है। यहाँ पर आपको भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ और साथ ही साथ उनकी पेंटिंग्स भी देखने को मिलेगी। वैसे तो आप जब इन गुफाओं को देखेंगे तो आपको सारी की सारी गुफाएं बिल्कुल एक जैसी ही लगेंगी, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से देखते हो तो आपको इनमें का फ़र्क बिल्कुल समझ आएगा। इन गुफाओं के इतिहास के बारे में मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ। मज़े की बात तो ये है कि 19वीं शताब्दी से पहले इन गुफाओं को कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि ये गुफाएं पहाड़ों में हैं। लेकिन फिर कुछ अंग्रेज़ अफसर शिकार के खोज में यहाँ पर आए और उन्हें इस गुफा की खोज हुई, और उसके बाद ये गुफाएं पर्यटकों के लिए खुली कर दी गई, और फिर यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दे दिया। इन सभी गुफाओं में से 9 नंबर की गुफा को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसी गुफा में वो अंग्रेज़ अफसर सबसे पहले आए थे। वैसे इन अजंता की गुफाओं के बाजू में एक छोटा सा गाँव है अजंता, जिसकी वजह से इन गुफाओं का नाम भी अजंता है। नहीं सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन ये साइड से आए, इधर से आप ना अभी है ना, यहाँ से करके पूरा ऐसा वैसा जी देंगे इधर। फिर ये इधर से ऐसे जाते हुए उधर से ऐसे नीचे से उतरेंगे। मैंने हम में और बाहर कंट्री के टूरिस्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस नोटिस किया। हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा इंटेंशन सिर्फ घूमना होता है, लेकिन बाहर कंट्री के टूरिस्ट जब भी इंडिया घूमने आते हैं तो सबसे पहले वो उस जगह के बारे में स्टडी करके आते हैं, और फिर उस जगह पर आने के बाद में एक गाइड को हायर करके अपने नॉलेज को लेवरेज करते हैं। इसलिए मैं भी हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते रहता हूँ, क्योंकि हमें एटलीस्ट हमारी जगह के बारे में तो पता होना चाहिए। इस गुफा में आने के बाद पता नहीं क्यों मेरा मेडिटेशन करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। अब यहाँ पर उतनी ज़्यादा शांति तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर हम शांति बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे क्या, मेरा मन किया तो मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर मेडिटेशन के लिए बैठ गया था। यह सबसे आखिरी गुफा है, और भगवान बुद्ध अपने आखिरी समय में कुछ ऐसे ही अवस्था में लेटे थे और उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो घूमते घूमते हम गुफा नंबर 26 तक पहुंच गए, जो कि यहाँ की सबसे आखिरी गुफा है, और वहाँ पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की मूर्ति है। तो बहुत ही सुंदर ये अजंता के आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। सारे के सारे गुफाएं हमने भी देख ली है, टोटल 26 है, 26 के 26 देख लिए, काफ़ी मज़ा है देख के। अभी दूसरी तरफ चलते हैं। तो ऐसे अभी पूरे 26 के 26 गुफाएं हमने देख लिए, तो आगे का हमारा प्लान ऐसा है कि ये जो नीचे की तरफ जगह है ना, बहुत ही सुंदर जगह है। अब वो यहाँ से जाना ऐसे ही है, जैसे आए थे वैसे वापस जाने का है, तो काफ़ी चल के जाना पड़ेगा। समीर भाई यहाँ पर नीचे रुके हैं, उनको भी जाना है, उनको चलने में काफ़ी तकलीफ हो रही, इसलिए ऊपर भी नहीं आए, हम सब ने फोटो खींचे, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खींचे। तो अभी नीचे चलते, वहाँ कैसा कैसा सीन है वो सब दिखाते। बहुत ही सुंदर जगह है, एक बार यहाँ पर जरूर आना चाहिए। और अभी हम जो आए, ये मतलब रेनी सीज़न है तो यहाँ पर बहुत मज़ा आता है रेनी सीज़न में। अभी फिलहाल तो मौसम थोड़ा मतलब बादल वगैरह आए नहीं है, तो इतना कुछ खास मौसम नहीं है, लेकिन बारिश के टाइम में बहुत मज़ा आता है। अगर थोड़ी सी बारिश होती ना तो और भी मज़ा आ जाएगा, देखते अगर बारिश हो जाए तो। समीर भाई अब घर रुकते लगता है।
अभी यार बरसात का मौसम है, लेकिन जिस तरह का अभी मौसम बना है बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि बरसात है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा निकली और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बारिश थोड़ी सी हो जाती है तो मज़ा आता, लेकिन अभी तक बारिश का कुछ भी मतलब नामो निशान ही नहीं मिल रहा। देखो ना कैसे कैसा रहे, देखो दोस्तों कैसे कैसे लोग रहते यहाँ पर, देखो 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 एक हाथ घूम कर के कर रहा हूँ, देखो किस तरह तरह के प्राणी यहाँ पर रहते, देखो हमारे यहाँ का मौसम भी यार कुछ ऐसा है ना, अचानक से थोड़ी धूप आती है, फिर अचानक से थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, समझ भी नहीं आता कि चल क्या रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल में मौसम थोड़ा ठंडा है तो मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर साइड में जो पानी बह रहा था ना उसमें थोड़ा हमने एंजॉय किया, उसमें भी काफ़ी मज़ा आया, तो ओवरऑल ठीक है, अच्छा है। हमने सारी की सारी गुफाएं भी देख ली, हम नीचे की तरफ भी आए, पानी में थोड़ा सा एंजॉय भी किया और ऊपर जाना था क्योंकि ऊपर के साइड में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन इन सब की एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी थी इसलिए हम ऊपर नहीं गए। मेरा तो बहुत ज़्यादा मन था लेकिन क्या करें, फिर कभी, लेकिन आप अगर आते हो कभी तो आप ज़रूर जाना। अब सब कुछ देखने के बाद हम वापसी के लिए निकल रहे हैं। यहाँ की सबसे बोरिंग चीज़ क्या है मैं आपको बताऊँ, जब आप बस से आते हो ना तो बस आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है क्योंकि सब बसेस लाइन में खड़ी होती है, लेकिन जब आपको वापस जाना होता है तो आपको बस के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और आप जितना ज़्यादा लेट करोगे उतनी ही बड़ी बड़ी लाइनें आपको यहाँ पर मिलेगी। अभी हाईवे पर हम एक जगह पर रुके हैं क्योंकि यहाँ से हमें चिकन लेना है, क्योंकि हम यहाँ से खाना खाने के लिए जाने वाले एक ढाबे पर, और ढाबे पर क्या होता है कि हमारा मानना है कि वहाँ पर जो चिकन होता है ना वो फ्रेश नहीं होता, इसलिए हम यहाँ से चिकन लेके जाएंगे, ये फ्रेश रहेगा। अभी हम खाना खाने के लिए एक ढाबे पे आए हैं और बहुत अच्छा खाना बनता है यहाँ पर, ऐसा बोलना है मेरे फ्रेंड्स लोगों का, ढाबा ऐसा कुछ दिखता है और फ्रेंड्स लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। अभी फ़िलहाल में खाने को थोड़ा टाइम है तो पप्पड़ मंगाए इन लोगों ने, तो हम अभी पप्पड़ खा रहे हैं, पप्पड़ का थोड़ा टेस्ट लेंगे, सब बैठे ऑलरेडी यहाँ पर। खाना खाने के बाद हम घर के लिए निकल गए और जाते जाते हमें रात हो गई, तो रात के टाइम में हमारे शहर का ये दिल्ली दरवाज़ा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक यू।